प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को दिल्ली में पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीसीसी चीफ पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कप्तान के लिए घमासान तेज। सीएम कमलनाथ ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावेदारी के लिए ठोकी ताल। सीएम कमलनाथ के मंत्रियों की बयानबाजी हुई तेज। जल्द होगा पीसीसी चीफ का ऐलान। कौन होगा प्रदेश कांग्रेस का नया कप्तान? किसे मिलेगी प्रदेश की कमान? ये वो पहेली है जो बीते कई दिनों से अनसुलझी है, और इस पहेली ने न केवल एमपी की सियासत में बल्कि दिल्ली दरबार में भी दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। एक और पीसीसी चीफ की दौड़ में सीएम कमलनाथ की पसंद है, तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सियासी चाल है। तो वहीं सीएम इन वेटिंग यानी प्रदेश की राजनीति के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद ताल ठोक रहे हैं। वहीं सीएम कमलनाथ ने इस घमासान के बाद पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। वहीं एमपी के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो इन सब के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीसीसी चीफ पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस कप्तान के सवाल से अगले चंद घंटों में पर्दा उठ जाएगा। वहीं भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गयी। एक के बाद एक नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह के बाद अब खेल मंत्री जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि जो अध्यक्ष बनेगा वो सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की पसंद का होगा। वहीं उन्होंने सिंधिया की नाराजगी को लेकर कहा कि वो भी परिवार के सदस्य हैं, सबको अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार है। विषय ये है कि सबका अपना अधिकार होता है अपनी भावना को व्यक्त करने का। परिवार के लोग संगठन के अंदर भी करते हैं, सार्वजनिक भी बात कर सकते हैं, पर बात मेरे को जिम्मेवारी दें या किसी को जिम्मेवारी दें इसकी वो करते हैं, इसमें गलत क्या है? कोई अपने को योग्य समझता है तभी तो इस भाव को व्यक्त करता है। तो मैं मानता हूँ इस बात को, कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष नया बनेगा वो सर्वमान्यता से बनेगा, प्रायोरिटी होगा सारे नेताओं की और कार्यकर्ताओं की पसंद होगा, और सरकार और मुख्यमंत्री जी का सहयोगी होगा। मैं समझता हूँ जो भी बनेगा अच्छा संगठक होगा, और संगठन के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की जो मूल विचारधारा को प्रदेश के कोने कोने तक ले जाने में सक्षम होगा। भरोसा रखें प्रदेश के कांग्रेस जन, प्रदेश के कार्यकर्ता, एक अच्छा समर्पित कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता मेरा भी वो नेता होगा, प्रदेश का अध्यक्ष नया बनेगा। वहीं इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। गोविंद सिंह ने सिंधिया को प्रदेश की कमान सौंपने की वकालत की है। गोविंद सिंह का कहना है कि सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो बेहतर कमान संभाल सकेंगे। सोनिया गांधी जी जिसको अध्यक्ष बनाएगी उनका हम स्वागत करेंगे। सोनिया जी हमारी नेता हैं, उनके फैसले का स्वागत करूंगा। जहाँ तक सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी में हाईकमान स्वयं निर्णय लेता है और प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए
हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया जी हरकत हैं और हमें नहीं लगता कि उन पर कोई दबाव चलेगा। अगर वो किसी को जो अध्यक्ष बनाएंगी वो हमारा सम्मान नेता होगा, हम उसका स्वागत करेंगे और उसके नेतृत्व में काम करा रहे हैं। हम तो सिंधिया जी के बनाए तो उनका हम स्वागत करेंगे, नौजवान हैं, नौजवान होने के नाते भाग दौड़ ज़्यादा करेंगे, और कोई बनता है तो उसका भी अपने अनुभव का लाभ होगा, मैं उसके नेतृत्व में काम करूँगा। हमारे लिए सिंधिया जी या अन्य कोई किसको बनाया जाए वो सब माननीय सोनिया जी के द्वारा होगा और वो हमारी नेता हैं, उनके आदेश का मैं सहर स्वागत करूंगा और उसका उसके नेतृत्व में काम करूंगा। कुल मिलाकर प्रदेश में सिंधिया को सूबे की कमान देने के लिए मांग तेज हो गई है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या आला कमान सिंधिया के नाम पर मुहर लगाता है या फिर एक बार फिर सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष के सिंहासन से दूर रह जाते हैं।